तवांग एक बेहद खूबसूरत जगह होने के साथ साथ इसका सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व है। चीन इस जगह को कब्जाने के लिए लगातार षड्यंत्र रचता आ रहा है। इसी तवांग में भारत और चीन के बीच LAC पर एक बार फिर झड़प हुई है। तो आइए जानते हैं इस क्षेत्र का सामरिक महत्व क्या है जिसके चलते चीन साजिश पर साजिश रच रहा है। असल में तवांग पर कब्जे के पीछे चीन की खास रणनीति है। इस पोस्ट पर काबिज होने के बाद चीन तिब्बत के साथ साथ LAC की भी निगरानी कर सकेगा। LAC पर भारत के लिए दो केंद्र सबसे अहम हैं। इसमें से एक तवांग है और दूसरा चंबा घाटी है। जहां चंबा घाटी नेपाल तिब्बत सीमा पर मौजूद है, तो वहीं तवांग चीन भूटान जंक्शन पर। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि अगर चीन तवांग पर कब्जा कर लेता है तो वह अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा कर सकता है। तवांग पर चीन के नजरिए से वाकिफ होने की वजह से ही भारत ने पिछले एक दशक में समूचे अरुणाचल प्रदेश में ढांचागत विकास को काफी तेज कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह सेना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 1962 के युद्ध में चीन ने भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में अपने सैनिकों का सबसे बड़ा जत्था तवांग के रास्ते भी असम तक घुसपैठ करवाया था। कुछ समय के लिए तवांग चीन के कब्जे में रहा था। अक्टूबर 2021 में चीन के 200 सैनिकों का एक दल तवांग स्थित भारत चीन भूटान सीमा के पास भारतीय गांव में घुस आया था, जिसे बाद में भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया था। तभी से तवांग चीन की निगाहों में खटकता रहा है, लेकिन चीन वहां तक अपनी पहुंच नहीं बना पाया और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है।